स्टूडेंट्स वेलकम टू ज्ञान गंगा विद्यालय ऑनलाइन क्लास टूडे आई विल टीच स्टैंडर्ड फिथ इंग्लिश ग्रामर चैप्टर सेवन आर्टिकल्स ओके सो यू नो आर्टिकल्स आई होप को आपका आर्टिकल्स पता ही है, है ना आपने स्टैंडर्ड फोर्थ फिफ्थ में पढ़ी है कि आर्टिकल्स क्या है आर्टिकल्स मीन्स ए एंड डी है न तो सो लेट सी एक्सप्लेन द थ्री स्मॉल वर्ड्स देखो यहाँ पे लिखा है द थ्री स्मॉल वर्ड्स ए एन एन एंड डी आर कॉल्ड आर्टिकल्स इन तीनों को क्या कहते हैं आर्टिकल्स तो सो स्टूडेंट्स आपको तो पता ही है ए कहाँ बैठते है जब सिंगुलर होता है और कंसन वर्ड लेटर होता है आगे वर्ट्स के बिगिनिंग में कंसोनेंट होता है तब क्या आता है ए यानी अ तो और वन होता है तो सिंगुलर होता है तो और अन कब कहाँ पे बैठते हैं जब वावल्स हो तो है ना अन ए आई ओ यू ये क्या है वावल्स तो वाट्स के बिगिनिंग में यानी लेटर के पहले अगर वावल है तो क्या आएगा अन जैसे कि एप्पल तो ए तो ये वावल है ओके तो अन ये तो आपको पता ही है और ठीक है तो देखो ए एंड आर कॉल्ड इनडिफिनेट आर्टिकल्स इंडिफिनाइट आर्टिकल्स ठीक है ए और एन क्या है इंडिफिनाइट आर्टिकल्स द इंडिफिनाइट आर्टिकल्स ए एंड एन टेल आज दैट अ नाउन इज नॉट स्पेसिफिक ओके जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो माई फादर टीचेस इन अ यूनिवर्सिटी तो अ यूनिवर्सिटी तो हम नहीं कहते ना देंटेंस डज नॉट टेल एस विच यूनिवर्सिटी हम ऐसी यूनिवर्सिटी अ यूनिवर्सिटी तो हम नहीं कह सकते सो वी यूज अ और अन ओनली बिफोर अ सिंगुलर नाउन एंड नॉट बिफोर अ प्लुरल नाउन ठीक है तो प्लुरल नाउन में हम ए और एन नहीं लिखते हैं ठीक है जैसे देखो अ बुक अ बुक्स अ बुक्स तो हम नहीं लिखते हैं ना एक बुक है तो अ बुक और बुक्स है यानी एक से ज्यादा है मैनी है प्लुरल है तो बुक्स ऐसा अ बुक्स हम नहीं लिखते हैं ना तो द बुक्स ऐसे लिखते हैं नेक्स्ट है आ, मतलब ए यूज इज यूज बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन थ अ कॉन्सनेंट और अ कॉन्सन साउंड कॉन्सनेट बिगिनिंग में भी होता है वर्ड्स के बिगिनिंग में और साउंड भी आपको कॉन्सनेंट होना चाहिए तो क्या आता है ए ए इज ऑल्सो यूज बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विथ यू वेन प्रोनाउंसड एज यूनिकॉर्न देखो यूनिकॉर्न तो यू साउंड आ रहा है ना तो इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा ए यूनिकॉर्न यूनिवर्सिटी तो यू तो क्या आता है यू यू साउंड हो रहा है तो क्या आएगा अ यूनिवर्सिटी यूजफुल तो यू साउंड हो रहा है तो यू साउंड होगा तो क्या आएगा ए आएगा ठीक है अ यूजफुल टूल तो वैसे ही देखो ऊपर दिया था माय फादर टीचर्स इन यूनिवर्सिटी तो यहाँ पे क्या लेकर बोला है कि अूनिवर्सिटी हम सिव यूनिवर्सिटी ऐसा तो नहीं कहते ना तो अूनिवर्सिटी नेक्स्ट क्या है अन यो एन इज यूज बिफोर वट्स दैट बिगिन विदल और अ वावल साउंड तो यहाँ पे अन कब लिखोगे कब यूज होता है वट्स के बिगिनिंग बिगिनिंग में क्या होता है शुरुआत में वावल होता है अभी कहा मैंने ए ई आई यू ये फाइव वावल्स है और ए साउंड होता है वावल में अ साउंड होता है तब होता है अन ठीक है अन इज आल्सो यूज्ड विद वर्ड्स दैट बिगिन विद अ साइलेंट अन जो है वो बिगिन मतलब क्या होता है साइलेंट होता है जैसे आवर देखो अन आवर तो ए है, तो है तो हम क्या कहते हैं आवर ऐसे तो नहीं कहते हैं ना तो ये साइलेंट होता है वर्ड जो है तो आवर ऐसे हम कहते हैं तो इसको क्या ल, आ साउंड आ रहा है तो अन यहाँ पे क्या आएगा क्या यूज होगा अन अन ऑनर ऑनर अ साउंड आ रहा है तो क्या आएगा अन एन ऑनर ठीक है इस तरह से मतलब जो है जो बिगिनिंग का जो लेटर है वो साइलेंट हो जाता है ठीक है वाच में एज देखो ये जो है वो साइलेंट रहता है ठीक है तो इसीलिए हमें उसे अन लगाना पड़ता है ओके तो साउंड होता है वहाँ पे आपको क्या लिखना है और अभावल होता है तो अन होता है और जब यू साउंड होता है तो ये लिखना है और जब सिंगुलर होता है तो या और कंसोनेंट होता है तो क्या आएगा ए ऐसे सिंगुलर में ए और एन दोनों आता है प्लुरल में द आता है ठीक है तो प्लुरल में हम ए और एन नहीं लिखते तो आपको समझ में आ गया है कि ए और एन का आप यूज़ करना है तो अब आपको एक्सरसाइज में जाते हैं एक्सरसाइज ए एक में क्या है राइट ए और एन ऑन द ब्लैक्स आपको ए और अन लिखना है ठीक है जैसे देखो नंबर वन में आई हैव ब्लैंक्स पिक्चर ऑफ सेंट सेंट टेरिजा ठोके इन माई रूम तो क्या है पिक्चर तो यहाँ पे क्या है कंसनेंट है बिगिनिंग का देखो वर्ड्स के बिगिनिंग का जो लेटर है वो पी है तो कंसनेंट है तो अ पिक्चर एक पिक्चर है तो आई है अ पिक्चर ओके मेरे रूम में एक पिक्चर दिया सेंट टेरेसा का नेक्स्ट क्या है आई हैव ब्लैंक्स अंकल हु लिव्स इन चेन्नई तो यहाँ पे देखो अंकल यू ठीक है अ साउंड आ रहा है और यू तो क्या आएगा भावेल है यू ठीक है तो इसलिए अन अन अंकल नेक्स्ट रेका हैड ब्लैंक्स ब्रिलियंट आइडिया ठीक है तो आएगा ए ब्रिलियंट आइडिया beach क्या आपने एक बीच देखा बीच एक ही बीच है तो क्या क्योंकि बी जो है वो कंसर्न है ठीक है ऐसे इसी तरह आपको फाइव सिक्स सेवन एट का भी करना है ठीक है यहाँ पे मैंने आंसर लिख दिया है तो आपको सिर्फ रीडिंग करना है और आंसर देखना है और लिखना है नेक्स्ट क्या है द अभी द इज कॉल्ड द डिफाइंड डिफिनाइट आर्टिकल ओके जो ए और एन क्या था इनडिफिनाइट आर्टिकल था आर्टिकल्स था और द जो है इज कॉल्ड द डिफिनाइट आर्टिकल बिकॉज इट इज यूज टू टेक अबाउट टॉक अबाउट स्पेसिफिक और नोन थिंग्स ठीक है तो यहाँ पे द इज यूज फॉर पर्टिकुलर सिंगुलर एंड प्लूरल नाउंस ओके तो यहाँ पे देखो सिंगुलर एंड प्लूरल नाउंस में यूज होता है पर्टिकुलर देशनल एनिमल तो द रॉयल बंगल टाइगर मस्ट बी प्रोटेक्टेड ओके तो इस तरह से यानी जो प्रॉपर नाउ्स होता है किसी एनिमल्स का प्लेस का ओके okay, थिंग्स का ऐसे कोई स्पेशल होता है प्रॉपर नाउन होता है कैपिटल लेटर से शुरू होता है तो आपको पता ही है तो हम क्या लिखते द ओके okay, और प्लुरल में द यूज होता है तो पर्टिकुलर एकदम स्पेशल जो सिंगुलर नाउन होता है पर्टिकुलर उसमें द यूज़ होता है जैसे आवर नेशनल तो यहाँ पे क्या द रॉयल बंगाल ठीक है इस तरह से तो द इंडियन कजिन क्यूसिन इज फेमस वर्ल्ड ओवर ठीक है इस तरह से फॉर समथिंग दैट इज़ ओनली वन ऑफ इट्स काइंड जैसे कि द सन् हिमालय द रामायणा द एलिफेंटा केव्स ये सब क्या है नेम है प्लेस है हिम ठीक तो है तो और देखो बुक के नेम भी है ठीक है जगह के नेम भी है थिंगस भी है दान भी है इसे पर्टिकुलर जो जब होता है और प्लुरल जब होता है सिंगुलर या प्लूरल पर्टिकुलर नाउन्स होता है नेमिंग वर्ड्स तब होता है द द का यूज़ होता है ठीक है वेन वे टॉक अबाउट समथिंग अगैन और दब यूज़ होता है जब हम किसी की किसी के बाद दोबारा कर रहे हैं किसी के बाद यानी जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल अ बॉय वॉज इटिंग एन आइसक्रीम बॉय आइसक्रीम खा रहा है और फिर से उस बॉय का मतलब उसका बारे में बात कर रहे हैं जैसे कि उसके बारे में क्या बात कर रहा है द आइसक्रीम फेल एंड द बॉय बिगेन टू क्राई आइसक्रीम गिर गया है और बॉय जो है वो क्राइंग करना शुरू कर दिया तो फिर से हमने वो सेंटेंस दोबारा यूज किया बॉय के बारे में तो इसीलिए वो कहा कि सम या समथिंग कुछ चीज़ को हम दोबारा अगर बोलते हैं कहते हैं तो वहाँ पे भी दा का यूज होता है जैसे द आइसक्रीम फेल एंड द बॉय बिगेन टू क्राई इस तरह से दा का यूज होता है ठीक है तो ये भी आपको समझ में आ गया है ठीक है द कहाँ पे यूज होता है नेक्स्ट एक्सरसाइज बी में क्या है कंप्लीट दिस अमेजिंग क्वेश्चन एंड आंसर विथ ए एन और दी यहाँ पे आपको ए एन और द का यूज करना है ठीक है जैसे नंबर वन में डू यू कॉल ब्लैंक्स एलिगेटर इन ब्लैंक्स वेस्ट ठीक है तो यहाँ पे इन्वेस्टिग इन्वेस्टिगेटर होगा है तो यहाँ पे आपको आई है तो यहाँ पे एन आएगा हाँ एन इनिगे एन इनवेस्टिगेटर ठीक है तो यानी व्हाट डू यू कॉल एन एलिगेटर इन आवेस्ट एन इन्वेस्टिगेटर ठीक है इस तरह से आपको लिखना है तो वावेल है जहाँ पे आपको देखना है वर्ड्स के पहला लेटर अगर वावेल है साउंड आ रहा है एक का साउंड हो रहा है तो आपको एन लिखना है ठीक है वाइड ब्लैंक गो टू ब्लैंक्स कंप्यूटर टू चेक हिज ऑफ साइट वेबसाइट तो क्या ए अ स्पाइडर गो टू अ कंप्यूटर ठीक है इस तरह से आई कैन यूज ब्लैंक्स कंप्यूटर विदाउट ब्लैंक्स टच टच पैड देखो आई एम अफ्रेड ऑफ ब्लैंक्स माउस तो यहाँ पे देखो आई कैन यूज अ कंप्यूटर एक कंप्यूटर एक ही कंप्यूटर है सिंगुलर है नाउन विदाउट फिर से देखो उसी का ही मतलब बारे में बात करे टच पैट क्या तो क्या आएगा द आई एम ए ऑफ द माउस इस तरह से तो इसी तरह थ्री फोर फाइव का भी आपको करना है ठीक है आपको देखना है और लिखना है नेक्स्ट सी में क्या है फिल इन द ब्लैंक् विथ ए एन और दी ठीक है जैसे कि देखो स्टोरी जैसा पैराग्राफ पैराग्राफ करके दिया है अकबर ऐसे स्टेप बाय स्टेप दिया है अकबर वाज ब्लैंक्स मुगल एम्पेरियर और इट इज सेड दैट ब्लैंक्स मुगल मुगल एम्पेरियर himself was uneducated unidic okay but he had many wise men in his court one of them was Birbal तो yahan pe aayega akbar was a Mughal emperor theek hai अकबर जो है वो मुगल का राजा थे है ना it is said that the Mughal emperor himself was uneducated बट ही हैड मैनी विज मैन इन हीज कोर्ट वन ऑफ देम वाज बीरबल तो बीरबल एक उसके कोर्ट कोर्ट में क्या था बीरबल नाम के आदमी था बहुत ही विजमैन यानी बुद्धिमान इंसान था उसके उसके पास अकबर के पास इसी तरह आपको एक स्टोरी दे दे दिया है पैसेज करके जो आपको ए एन और दी लिखना है ठीक है यहाँ पे भी दिया है। वी कैन डू इट इन जस्ट वन डे बट वी है ठीक है यहाँ पे ब्लैंक्स क्लीवर हैड एन आंसर ठीक है चलो ये भी आपको समझ में आ गया है अब नेक्स्ट क्या है डी डी में क्या है इंसर्ट आर्टिकल्स वे आर नेसेसरी एंड रिराइट द सेंटेंसेस तो आपको यहाँ पे आर्टिकल्स लिखना है ठीक है जैसे देखो नंबर वन में लार्जेस्ट ओशियन इन वर्ल्ड इज स्पेसिफिक ओशियन तो यहाँ पे आर्टिकल्स नहीं दिया है आपको फिर से रिराइट करना है सेंटेंस को आर्टिकल्स लगा के ठीक है नीचे लिखना है ब्लैंक्स में तो क्या लार्जेस्ट ओशियन तो द लार्जेस्ट ओशियन ये क्या है एक पर्टिकुलर नाम से ठीक है तो इसीलिए द लार्जेस्ट ओशियन इन द इन वर्ल्ड है तो कहेगा द द वर्ल्ड इज फिर पैसिफिक ओशियन तो यहाँ पे भी पर्टिकुलर नाउन से ठीक है प्रॉपर नाउन से स्पेशल नेम है तो आएगा द द पैसिफिक ओशियन इस तरह से तो आपको जहाँ जहाँ आर्टिकल्स लिखोगे वहाँ उसके नीचे क्या करना है आपको अंडरलाइन करना है नेक्स्ट टू में डॉग चेस्ट माइक कैट अराउंड गार्डन तो अ डॉग एक ही डॉग है।, है तो अ डॉग चेस्ट माइ कैट अराउंड गारेन है तो कह दिन इसी तरह तो ए में और द में आपको क्या करना है अंडरलाइन करना है ठीक है तो थ्री में भी क्या मिसेस पाटिल बट स्कूटर एंड बाईसाइकल बट सी यूजेज बाईसाइकल मोर ऑफ फ्रेंड तो कहेगा ऑफ एन मोर ऑफेन तो मिसेस पटेल बॉट अ स्कूटर एंड अ बाईसाइकिल बट सी यूजेज द बाईसाइकिल मोर ऑफ ठीक है बाईसाइकिल को दोबारा यूज हुआ इसीलिए द आया ठीक okay? है इसी तरह फोर का फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवेन टवेल्व का आपको करना है ठीक है इसका आंसर मैंने लिख के दिया है सभी का आंसर मैंने लिख के दिया है आपको सिर्फ रीडिंग पढ़ना है और लिखना है ठीक है और समझना भी है तो यहाँ पे जो आपका चैप्टर है आर्टिकल्स कंप्लीट हुआ, ठीक है? तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है आपको इस वीडियो को अच्छे से देखना है सुनना है और एक्सरसाइज जो भी है आपका एक्सरसाइज ए एक्सरसाइज बी सी डी जो भी है आपको आपके बुक में लिखना है कंप्लीट करना है सो so स्टूडेंट अब नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट सेक्शन में बताएंगे ओके स्टे सेफ स्टे हेल्थी एंड स्टे हैप्पी